पत्थर में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए, ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नव निर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहां सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे? विपक्षी एकता के लिए जाकर बात करने, बात तब बनेगी ना जब आपने खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है, नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने कहा, कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है, ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे? आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है। और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है, एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी।